आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी शाम का टाइम है, 6:15 का टाइम है इस टाइम, और मैं यहाँ पे किचन वगैरह थोड़ा सा समेटी थोड़ा सा, और आज मुझे चक्कर सा आ रहा है, पता नहीं क्योंकि अभी अचानक से घूमने लगा है। कभी कभी ऐसे हो जाता है कि ऐसे खड़े रहेंगे और गुस्सा घुमाने लगेगा। और अभी मैं बना रही हूँ, क्या मैं वो आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, मैंने आलू मटर जो है रख लिया है इसको पकने के लिए, और इसमें मैं बिल्कुल भी पानी नहीं ऐड करती, बिना पानी के पकाती हूँ। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि बिना पानी का ये मटर एकदम स्लो मोशन पे कर देती हूँ तो बहुत अच्छे से पक जाता है। और फिर से मैं इसको ढक दूँगी। और मैं आलू मटर क्यों बना रही हूँ वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे रखा है चूड़ा, ये देखिए, और चूड़ा को वॉश करूँगी और उसके बाद हम डालेंगे इसमें आलू मटर में, तो ये बन जाएगा पोहा, जो कि आलू मटर से बन जाएगा पोहा। और इसी तरह से सलोनी भी बनती है, सलोनी अगर मैं इसको चूड़ा नहीं डालूंगी तो सलोनी बन जाएगी, आप कुछ लोग तलखा भी बोलते हैं। तो सीजन है तो इस तरह की चीज़ें बनती रहती हैं। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मटर बचा लिया, और आज कौन सा दिन है, आज वेडनेसडे है तो मार्केट नहीं लगेगी, तो ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। और मेरी ये लॉकेट जो है ना, मैं लॉकेट इससे परेशान हो जाए, ये टेढ़ हो जाती है। और मैंने यहाँ पे मूली वगैरह धुला था तो उसकी मिट्टी है पानी में, और मैं इसको ले जाऊँगी बाहर क्योंकि मैं नाली में डालूँगी तो सिंक जो है नाली जाम होने की डर है, और फिर उसमें बहुत सारे काम बढ़ जाएंगे। तो मैं इसको ले कर जाऊँगी और उसके बाद मैं आके आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन सा काम किया है। तो चलिए हम लोग बाहर का सैर करके आते हैं, इसको बाहर डाल देंगे और फिर उसके बाद खुली नाली जो है उसमें डाल देंगे तो वह बह जाएगी, और नहीं भी बहेगी ना तो उसमें सुबह शाम पानी वगैरह डालती रहती हूँ तो वो भी है। और यहाँ पे आऊँगी तो मैं दिखाऊँगी मैं किस पे जो है उसको टिका के रखी हूँ। तो मग्गा को मैंने यहाँ पर टिकाया था, और पहली बार तो ये दरवाज़ा बंद कर दूँ, मच्छर इक्का दुक्का मच्छर ख़त्म नहीं हुए हैं। और मैं यहाँ पे बड़ी वाली लाइट जला लेती हूँ, उससे उजाला हो जाएगा। मैंने छोटी वाली लाइट जलाई थी, और फिर से मुझे गेट खोलने के लिए फिर से पानी को टिकाना पड़ेगा यहाँ पे, और इसमें हाथ डाल के पहले तो मिट्टी को ऊपर करना होगा क्योंकि मिट्टी जो है शांत बैठी है। अब इस समय मुझे फिर से चक्कर आ रहा है, थोड़ी देर आप यहाँ पे रुक जाइए, मतलब थोड़ी देर यहाँ पे रुकिए आप, और मैं पानी जो है बाहर डाल के आती हूँ। तो पहले तो इसको हम ऐसे, इसकी मिट्टी जो बैठ गई है ना, इसको उठा दूँ, मतलब इसको जगा दूँ कि सुबह बाहर जाना है, तो मैं सुबह हो गई है तो बहुत सो लिए ना, तो बस मैंने इसकी मिट्टी को जगा दिया है तो सारी मिट्टी जो है ऊपर आ गई है। तो मैंने इसको खुली नाली में फेंक दिया है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए जो भी मिट्टी इसमें जमी हुई थी उसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाला है। तो ये जब तक हम इसको अच्छे से मान लेंगे नहीं तब तक ये साफ होने वाला नहीं है। इस समय टाइम ना, मतलब 6:15 मैक्सिमम 6:20 हो गए होंगे जब तक आपसे बात कर रही हूँ, और बाहर मैं आई हूँ और धुंध बढ़ना शुरू हो गया है, मतलब कोहरा जो है ज़बरदस्त हो गया है। रात में जब मेरी सासू जी पिछले बार इस टाइम बीमार थी, हॉस्पिटलाइज थी, उस टाइम भी यही कुछ आलम था। और बेटे जी से कल मैं पूछ रही थी कि बेटे जी ठंड, हम कह प्रिंस क्या है, ठंडी इस साल ज़्यादा है कि उस पिछले साल ज़्यादा थी, तो कहें कि नहीं पिछले साल ज़्यादा थी। अरे यार मैं बात कर रही हूँ, और वहाँ पे मैं कढ़ाई पे जला के आई हूँ, चूल्हे पे रखी हूँ मटर, और फिर कहें कि पिछले साल ज़्यादा थी इस साल कम है, क्योंकि रात बिरात आना वहाँ से हॉस्पिटल, और एकदम कोहरे, एक बार तो हम भी 1:30 बजे रात आए और एकदम से दिखाई भी नहीं दे रहा था, इतना ज़्यादा कोहरा था, और उस समय ट्रक भी
लाइन लगी थी, जा रही थी रात में, कहते ना ट्रक। और मैं यहाँ पे बड़ी वाली लाइट ऑफ़ कर दूँगी और छोटी वाली लाइट चलेगी। तो जैसे ही मैंने लाइट ऑफ़ किया तो कलर जो है बदल गया ना। ये 0 वाट का बल्ब लगा है कि मतलब हमेशा जलता भी रहे। और मैं सूर सटाक से पहुँचने वाली हूँ वहाँ पे। और मैं दिखा देती हूँ, और मैंने यहाँ पे बोरी जो है मायके से आई है चावल की। और मैं अभी रुकूँगी नहीं, अभी मैं सीधे से किचन पे जाऊँगी। पहले सब्जी ऐसे बेटा, मैंने इसको रख दिया है पकने के लिए। इसको थोड़ा सा वो कर देती, नहीं पोहा पोहा के लिए, ये चूड़ा वो करके एक इसका काम कर देती। तो बस देखिए यहाँ पे, ये देखिए आलू जो है पक चुका है, ये थोड़ा सा अभी बचा हुआ। जब तक चूड़ा वगैरह घोला जाएगा ना तब तक ये अच्छे से। बेटा हम तुम ना क्या ही कहूँ तुम्हें, एक काम अगर हेल्प मांगती हूँ, हेल्प के नाम से कोई हेल्प नहीं करना चाहता यार। मतलब हाथ लगाई हूँ तो मैं सभी काम कर लेती हूँ। मैंने बर्तन भी धोला क्योंकि आज ज्योति नहीं आई थी। हाँ तब जब हम धुल ही देंगे तो डाल के नहीं के क्या एहसान कर दोगे क्या? बर्तन धुले, सब चीज किए, यहाँ मग्गा भी रखे हैं उसको भी धुलना है। मैं सोची श्रेया से हेल्प मांग लूंगी कर देगी, नहीं कह रही आंटी जी आई तो बर्तन तो धुल दी, अब क्या करूँ, कुकर छोड़ के बाकी सारे बर्तन को हमने धुल दिया। अब कभी कभी ये लगता है कि अपने से अगर धुल जाएगा तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। जो जगह जगह पर नहीं धुलती है सही सही वो मैं कर लूँगी। तो मैं यहाँ पे आज मुझे आ रही चक्कर बहुत जोरों की, कभी कभी और बर्तन धुल लो। बर्तन धुलने से चक्कर आ गया क्या? बर्तन धुल रहे इसकी वजह से चक्कर आ गया। तुम्हें क्या बताऊं अब उनको, बस मैंने यहाँ पे चूड़ा जो है डाल दिया है। अब चूड़ा डालने के बाद मैं थोड़ा सा इसको अलग से रख दूंगी, तो आलू जितना भी थोड़ा सा कसर रहा होगा वो भी आलू बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो आप देख लीजिएगा, मैं इसको तो थोड़ा सा हाथ धुल लूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ। इसको बिल्कुल हटा ही देती हूँ। हस्बैंड कहेंगे कि ये बहुत बहुत लालची है। हाँ ये हस्बैंड चेन्नई से ले आए, इसमें प्रसाद आया था। अब चूड़ा उड़ा धुलने लायक है कुछ, और मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं बना ही रही थी बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है खाने का। अभी मैं जा रही हूँ दिया बत्ती करने, तो मैंने इसको ऐसे डाल दिया है। अब इसमें जो थोड़ा पानी वगैरह जो पड़ा वो, उससे आलू और बफ जाएगी। और थोड़ा सा इसमें वो करके इसमें कटी हुई धनिया डाल देते हैं तो टेस्ट बढ़ जाएगा। लेकिन बिटिया रानी को धनिया पसंद नहीं है, मटर पसंद नहीं है, तो बड़ा ही ख़राब लगता है यार, इतनी हरी भरी धनिया आई है। तो यहाँ पे देखिए ये चूड़ा मैंने अलट को डर दिया है, ये पोहा जो है बन के तैयार हो जाएगा। और फिर मैं इसको ढकने के लिए जैसे रख दूँगी। और गैस का फ्लेम आप देख ही भी रहे हो, तो जब हम इसको वो करेंगे ना तो उसको गैस का फ्लेम हाई करके और जल्दी से सुसटाक से हम इसको बना दूँगी। और मैं आ गई हूँ, मैंने कितना सारा बर्तन धुला है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने टोकरी में जितने भी बर्तन रखे हैं, कुछ बर्तन मैंने जैसे कुकर का ढक्कन है उसको मैंने धुला, वो सब टंग कर दी हूँ, मतलब जगह जगह पर रख दी हूँ। और उसके बाद मैंने प्लॉट पर से मैं क्या ले आई थी, मिर्च है, बैंगन है, और इसको रख देना, वो दुर्वा है। और मैं यहाँ पे ले आई हूँ मूली, और ये मूली आप देख सकते हो कि कुछ थोड़ी दागी है, तो सबसे पहले जब मूली मैंने लगाया था शिफ्ट हुआ है। और एक चीज़ मेरे लिए क्या आया है, वो सत्तू जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और दूसरा मूली ये है, तो मैं सोची थी कि मूली का पराठा बनाऊंगी, लेकिन बिटिया रानी ये सत्तू मंगाई है। श्रेया बेटा मेरा बार बार चक्कर आ रहा है यार,
ये सत्तू मंगाई खुद ही बनी थी। सत्तू नहीं मेरा, मैं थोड़ा देर लेटना चाह रही हूँ। उसको पलट लो, किसको? वही। और यहाँ पे प्लॉट पर से ये देखिए गेंदा का फूल लेके आई हूँ, और वो लेके आई हूँ दुर्वा, वहाँ पे ये देखिए दुर्वा भी लेके आई। सच में मेरा सर घुमाया जा रहा है। चलो पानी वो उसमें पानी तो पता ही नहीं चलता, चेक करना तो जानते नहीं हो। उसमें दवा मिली है। किसमें? पानी में। कौन बोला? वहाँ से दवा मिली है, जहाँ से सप्लाई है ना, वहाँ मेन कनेक्शन से दवा मिली है। तो मैं पानी उस दिन कल पी रही थी, तो मुझे लगा तुरंत मैं पकड़ ली कि पानी में कुछ है। हाँ तो कल कल मैं दोपहर ऊपर में पानी पी थे, तो मुझे अजीब सा लगा, तब समझ में आ गया कि जैसे कुएं हुए में पहले पानी डाला जाता, दवा डाली जाती थी। सब सब नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, उसे कीड़े उड़े मरते हैं। तब उसको डालते हैं, पहले भी कुआं में डालते थे, अब मर जाएंगे तो अगर ऐसे ही होते तो हम लोग कब कब मर गए होते। अरे नई केमिकल वाली दवाई आई होंगी। कैसे? तो मैंने आज ये वाली साड़ी पहना और मैंने सोचा ढेर सारा ब्लॉग बनाऊंगी। हाँ जो उसको बराबर से वो कर लो, और थोड़ा सा करना है, अभी तो मैं डाल के आ ही रही हूँ। अब चाहे मुझे वोमिटिंग होना होगा या चाहे जो हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जो मुझे इस बार चक्कर जोरों से आना शुरू हुआ है। सुबह बोल रही थी ना कि मेरी तबीयत बहुत ठीक है। हाँ यही मैं कह भी दूँ कि हाँ मेरी तबीयत ठीक है, बस हो गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हमें थोड़ा सा लेट होगी। नहीं यार अभी ऐसे कैसे बंद कर दोगे? बाय।